हे राम सुखदास जी को गुरु मानता हूं, पर कभी उनसे मिला नहीं हूं। उनकी पुस्तकें जैसे गीता साधक संजीवनी को जीवन में उतार कर अपना कल्याण कर सकता हूं क्या? महाराज श्री ग्रंथ जो है वो तो वास्तव में भगवान के ही स्वरूप है। बिल्कुल, गीता जी तो साक्षात भगवान के स्वरूप है और ठाकुर जी भगवान वेद व्यास जी ने भी कहा है एकम गीतम देव की पुत्र गीतम, एक ही गीत है। तो इस प्रकार से गीता का अध्ययन करके बिल्कुल हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी गुरु का होना जरूरी है, क्योंकि आपकी निष्ठा कब तक गीता में बनी रहेगी ये निश्चित नहीं है। जब तक आपके ऊपर गुरु का डंडा नहीं रहेगा, उनकी कृपा नहीं जब तक आपके ऊपर होगी, तो आप कब तक सन्मार्ग पे चल रहे हो और कब भटक जाओगे कोई पता नहीं है। लेकिन आपके ऊपर यदि गुरु की कृपा हो जाए तो आपको भटकोगे तो वहां से भटकने नहीं देंगे। पूज्य पंडित बाबा के जीवन में आता है चरित्र, उनका एक शिष्य काशी में था, तो काशी में भक्तिभाव तो करते ही था, लेकिन कुसंग में पड़ के एकाएक वो वेश्या के दरवाजे पे पहुंच गया। उसको वही पंडित जी प्रकट हो गए, नहीं दरवाजे पे माने अपने घर से चल दिया था। तो उसी समय पंडित जी प्रकट हो गए और उसको रोक लिए। तो माने गुरु का होना जीवन में बहुत जरूरी है, शरीरधारी। बिल्कुल, देखिए गुरु तो इतना आवश्यक है, जिन्होंने भी ये प्रश्न किया मैं उनसे पूछता, यदि वो पढ़े लिखे हैं तो बिना गुरु के पढ़ाई कर ली के गुरु बनाए, स्कूल भी गए और स्कूल में गुरु भी बनाए, बिना गुरु को क्या वो पढ़ाई की उन्होंने? कोई भी विद्या आज तक हमने सीखी तो गुरु तो बनाने पड़ते हैं। बिना गुरु, गुरु बिन भव निधि तरही ना कोई, जो विरंचि शंकर सम। हाँ, इतना तो हम कहेंगे ऐरा गैरा गुरु बनाने से अच्छा तो बिना गुरु के ठीक, भगवान को गुरु मान लो, लेकिन कब तक? जब तक कहीं निष्ठा न जम जाए। लेकिन ना सोचो कि अब हमको गुरु की आवश्यकता नहीं, तब तो अपराध होगा, गुरु अवज्ञा होगा। हाँ, जब तक ऐसा संयोग ना बने तब तक भगवान को गुरु मान के रखो, गीता के अनुसार अपना जीवन बनाओ, खूब नाम जाप करो और भगवान से प्रार्थना करो गुरु के लिए। स्वयं अर्जुन को गुरु की आवश्यकता पड़ी, स्वयं अर्जुन को गीता में दूसरा अध्याय सातवां श्लोक वहां कहते हैं शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझको ज्ञान दीजिए। तो अर्जुन को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। और ऐसी कितनी कथा, नामदेव की कथा है, स्वयं भगवान विठल भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम गुरु बनाओ नहीं तो कच्चे रहोगे। ऐसी धन्ना जी को नाम और भगवान राम प्रकट होकर कहते हैं तुम गुरु बनाओ जाके रामानंद जी को, क्यों कहा जब राम जी मिल गए। नामदेव जी को 5 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी मिल गए तो क्यों ठाकुर जी ने कहा कि गुरु बनाओ? एक मर्यादा है, 4 संप्रदाय के जो 4 बड़े आचार्य है उनको भी गुरु बनाने पड़े। हाँ बिल्कुल, और ये संप्रदायों की स्थापना स्वयं ठाकुर जी ने किया, क्यों किया? इसी के ही कारण 4 संप्रदाय, सुदर्शन चक्र अवतार निमार्क आचार्य स्वयं भगवान ने भेजा है। और गर्ग संगीता में तो बड़ा अच्छा लिखा है 4 आचार्यों के बारे में कि इनसे जो दीक्षा लेंगे तो उनके ऊपर विशेष कृपा बरसेगी, वही वास्तव में दीक्षा कहलाएगी और इससे फिर भक्ति प्राप्त होगी। और किसी भी संप्रदाय से आप दीक्षा लेंगे लेकिन संप्रदाय प्रमाणिक हो, संप्रदाय उनको कहते हैं जो प्रथम गुरु भगवान हो, माने भगवान ने प्रथम बार दीक्षा दी और वो शिष्य दर शिष्य आज तक चली आ रही है, इनको कहते हैं प्रमाणिक। जैसे हमारे यहाँ जैसे पूजा सिंह महाराज जी हमारे सामने विराजमान है, आप ब्रह्म गोड़िया माधु संप्रदाय से, तो कहां से दीक्षा मिली? स्वयं भगवान ने शिक्षा दीक्षा श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दी और होते होते यहां तक पहुंचे। इसी प्रकार हमारी दीक्षा, हमको कहां से मिली शिक्षा दीक्षा? तो 24 अवतारों में हंस अवतार हंस भगवान ने शिक्षा दीक्षा दी है, संतादिकों को संतादिकों ने शिक्षा दीक्षा दी, देवऋषि नारद जी को देवऋषि नारद जी ने शिक्षा दीक्षा दी है, निम्बार्क भगवान को और निम्बार्क भगवान से करते करते कितने संतों के पास आज तक चली आ रही है। तो ये प्रमाणिक संप्रदाय है ऐसी। तो इसी संप्रदाय के अंतर्गत और भी जैसे निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत निजन संप्रदाय है, हमारे हरिदासी हैं इसी संप्रदाय से, और ऐसी राधा बल्लभ संप्रदाय है, इसी प्रकार जैसे पूज्य महाराज जी संप्रदाय से, गौड़िया माधव संप्रदाय से, और पुष्टि मार्ग विष्णु स्वामी संप्रदाय से, ऐसे स्वामी रामानंद जी से जो संप्रदाय आगे विस्तार को प्राप्त हुआ रामानंद संप्रदाय, ये भगवान राम से प्रारंभ हुआ, और इसी प्रकार श्री संप्रदाय लक्ष्मी से प्रारंभ होता है, भगवान नारायण ने लक्ष्मी को आगे होते होते
आतक दीक्षा से चली आ रही है। तो ये भगवान से प्रारंभ हुए संप्रदाय हैं। जब हम किसी प्रमाणिक एक गुरु से जुड़ते तो समय एक से नहीं जुड़ते, उनका गुरु करते करते अंत में जगत गुरु कृष्ण मंदे जगत गुरु भगवान से जुड़ जाते हैं और वहां से हमको पावर मिलने लग जाती है। चेतन मंत्र है ये, चेतन मंत्र है। बिना श्रद्धा विश्वास के भी जाप करोगे तब भी चमत्कार दिखाएंगे, ये चैतन्य मंत्र है। इन मंत्रों को वरदान है। तो परंपरा से प्राप्त विद्या में अनेकों संत महापुरुषों का आशीर्वाद वरदान भी काम करता है। लेकिन जब तक ऐसा संयोग ना बने, आपकी श्रद्धा का संयोग कहीं संत से जब तक ना बने तब तक आप मत बनाइए। लेकिन गीता का पाठ कीजिए, गीता में जो जो कहा जितना भी समझ में आपकी आ रहा है वो अपने ऊपर लागू कीजिए और हर समय प्रभु के नाम का जप कीजिए और साथ में भगवान से प्रार्थना कीजिए। स्वयं गीता में, आप तो गीता पढ़ते हैं ना, तो स्वयं गीता में कहा गुरु बनाने के लिए। एक तो अर्जुन ने स्वयं कहा शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्न, मैं आपके शरण हूँ, आपका शिष्य हूँ, आप गुरु। और दूसरी बात वहां कहा तद विद्धि पाई पाते न परिप्रश्ने न सेवया। क्यों कहा अर्जुन को कि तुम संतों के पास जाओ, उनके चरणों में प्रणाम करो, उनकी सेवा करो। तद विद्धि पणि पाते न परिप्रश्ने न सेवया, फिर अपने उद्धार का प्रश्न करो, तब वो तुमको उपदेश देंगे। उपदेश दीक्षा को, शिक्षा को उपदेश कहते हैं, तब वो तुमको उपदेश देंगे। तो स्वयं ठाकुर जी अर्जुन को कहते जाओ संतों के पास। आप तो गीता को मानते हैं ना कि मैं गीता को मानता हूं। 13वें अध्याय में भी कहा है ज्ञान प्राप्ति के लिए कहा है आचार्योपासनम सोचम, आचार्योपासनम सोचम माने आचार्यों की उपासना करो अर्थात उनकी सेवा। तो ये तो इतनी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहां तक कहते गुरु बिन भव निधि तरह ही ना कोई, जो भी अंत शंकर सम हो। कितनी जगह भक्तमाल में देखो कोई ऐसा भक्त चरित्र बताओ जिसने गुरु ना बनाया हो, सबके गुरु। तो आप अलग से लिख क्यों खींचना चाह रहे हैं। हाँ इतना मैं कहूंगा, जब तक आपकी श्रद्धा आस्था कहीं मजबूत पक्की ना हो तब तक आपको दीक्षा लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आस्था श्रद्धा विश्वास पक्का नहीं मजबूत नहीं तो आप उल्टा अपराधी हो जाएंगे, इसे लो ही मत। लेकिन खोज जारी रहे और प्रार्थना भगवान से जारी रहे और जब गुरु का संयोग बनेगा बन जाएगा, लेकिन नाम जप आप आज से नहीं अभी से प्रारंभ करो। महाराज जी आप क्या कहना? बिल्कुल सही, आप तो सब कह ही दिया है। और दीखा बिना तो जितनी भी जो भी जो मंत्र आदि है ये सब निष्फल है, ये उल्लेख किया है आपके हरिभक्ति विलास में भी है, भागवत में भी है। ऐसे कहते हैं ठीक है नाम जप कर लेते हैं उससे मंगल तो होगा ही, वो तो निष्फल जाएगा नहीं, लेकिन मंत्र आदि क्योंकि उसका उच्चारण विधि और स्थान समय ये सब तो उसको ज्ञात नहीं है, वो जानता नहीं है, ये गुरुदेव ही उसको जानते हैं कैसे कैसे बैठ के कैसे करना है, तो वो जब फलदायी होता है। और गुरु प्रदत्त साधना फलदायी होती है, गुरु प्रदत्त साधना ही फलदायी होती है। ये तो रिद्धियों सिद्धियों में भटकोगे, अनेक विघ्न बाधा है और सबसे बड़ी विघ्न बाधा तो यही आएगी, सब जगह यही चिल्लाओगे देखो मैंने गुरु नहीं बनाया और मेरे पास अहंकार आश्रय करेगा, देखो गुरु की जरूरत ही नहीं, और उल्टा सनातन धर्म का बेड़ा गर्क करेगा ऐसा व्यक्ति। राजा इंद्रधूम ने गुरु नहीं बनाया, गुरु नहीं बनाया, गुरु बन गया अपनी मर्जी से तपस्वी बन गए, बन गया तो बाद में हाथी बनना पड़ा उसको। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं कितना भी पंडित बाबा कहते थे जो तुम बिना गुरु की आज्ञा के कितना भी ऊंचे चले जाओ एक दिन तुम्हारा पतन होगा। तो इस प्रकार से गुरु तो बनाना क्या, उसको जो रहस्य मालूम नहीं पड़ता है ना, ये तो गुरु जी से ही मालूम पड़ेगा उसके सारे रहस्य। और हम मंत्र भी जप करे व ग्रंथ भी अध्ययन करे ऐसे हमारे वैष्णव संप्रदाय कैसे लेंगे जब गुरु ही बना, दीक्षा कहां से लेंगे। और ऐसे भी है जो वैष्णव ग्रंथ जैसे गीता है भागवत है वो भी गुरुकरण करके गुरु के पास जाके अध्ययन करना चाहिए, किसी विज्ञ व्यक्ति के पास। अपना आप अध्ययन करेंगे तो उसका एक अर्थ दूसरा अर्थ लगेगा, ऐसे भी होता है गलत अर्थ लगा के हम बैठे और उसी में हमका कल्याण के जगह अकल्याण होके बैठते हैं।
बिल्कुल बिना संतों की कृपा के ग्रंथ भी कृपा नहीं करते, समझ नहीं पाओगे ग्रंथ क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं तो फंस जाओगे। ग्रंथ तो एक जंगल है, भटक जाओगे जंगल में, पापा की उंगली पकड़ के चलो, गुरु की उंगली पकड़ के। जैसे जैमिनी ऋषि का प्रसंग आया, व्यासदेव के शिष्य है, उन्होंने व्यासदेव ने लिखा ये भगवान में भगवान की माया इतना है जो किसी विद्वान व्यक्ति को भी पतन करा सकते। उसने देखा, उसने लाल शाही से उसको काट दिया, ये जमीन नहीं है। तो फिर उन्होंने व्यासदेव ने स्वयं उसको देखा के परीक्षा लिए और फेल हो गए। फेल हो गए तब उनको लगा पता कि हाँ, ठीक है। फिर जब ठीक किया है। बिल्कुल। तो देखो, यदि शादी नहीं हम कराना चाहते हैं, मैं कुंवारी रहूंगी लेकिन पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी, कितनी हास्यप्रद बात होगी। कुंवारी रहूंगी लेकिन पतिव्रता बनूंगी, तो बताओ पति नहीं है तो व्रता कहाँ। कहते शादी नहीं कराऊंगी लेकिन मंगल सूत्र पहनूंगी, क्योंकि मंगल सूत्र बड़ा अच्छा लगता है। शादी नहीं कराऊंगी लेकिन करवा चौथ का व्रत करूंगी, तो कैसे होगा भाई ये सब, बिना पति के कैसे होगा। इसी प्रकार गुरु बिन भक्ति नहीं, भक्ति मिलती ही संतों से। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, राम जी कहते मेरी भक्ति नौ प्रकार की, तो प्रथम कहां से, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा स्त्री भक्ति मान। जब गुरु ही नहीं बनाया तो सेवा किसकी करोगे। तो गुरु पद पंकज सेवा का अर्थ रहा।